गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी एक नई पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लबर्नम टॉप। ठीक है, द लबर्नम टॉप, जिसके हमारे राइटर हैं टेड हॉक्स। इन्होंने इस पोएम में जो बता रखा है वो एक पेड़ के बारे में बता रखा है जिसमें एक पीले रंग की छोटी सी चिड़िया है जो सुनहरे रंग की है और वो इस पर आकर बैठ जाती है और किस तरह से इस पूरे पेड़ पर जो है वो हलचल मचा देती है, जिसका नाम है गोल्डफिंच। ठीक है, और उसके बाद जब वो उड़ जाती है तो किस तरह से इस पूरे के पूरे पेड़ पर सन्नाटा छा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, कि लबर्नम की जो चोटी है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है और बिल्कुल स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, इस मतलब सितंबर की दोपहर में जो एक पीली सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है उसमें वो बिल्कुल ही शांत दिखाई दे रही है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप, कि मतलब जो इसमें सब कुछ जो है, इसके पत्ते वगैरह जो हैं वो लगभग पीले हो चुके हैं, इसके जो बीज हैं वो लगभग सारे के सारे गिर चुके हैं। ठीक है, और इस पर एक पक्षी आकर जो बैठता है, दैट इज़ गोल्ड फिंच, वो चहचहाते हुए इस पर आता है। एंड द सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रंच एंड, कि अचानक हैरानी के साथ एक शाखा के किनारे वो बैठ जाता है, कि ए सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रंच एंड, कि अचानक से वो हैरानी के साथ यानी कि थोड़ा सा हैरान होते हुए वो इसकी एक शाखा यानी कि इसकी टहनी पर, उसी किनारे पर बैठ जाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में जो हमें पोएट है वो ये बताता है कि लबर्नम एक ऐसा पेड़ है जिसकी जो चोटी है उसमें सितंबर के महीने में दोपहर के बाद जब सूरज की रोशनी उस पर गिर रही है उसमें वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है, इसमें कोई हलचल दिखाई नहीं देती। इसके जो कुछ पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं, इसके जो बीज हैं वो लगभग सारे के सारे गिर चुके हैं, और जो इस पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है जिसका नाम है गोल्ड फिंच, चहचहाता है और एक हैरानी के साथ वो एक किनारे पर बैठ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, कि एक छिपकली की तरह बड़ी ही सुस्ती और तेज़ी से वो घुस जाती है, गहराई में चली जाती है। शी एंटर्स अ थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और वो उसमें जब घुस जाती है तो थोड़ा सा मशीन जो है उसकी शुरू हो जाती है, एक शोर साना स्टार्ट हो जाता है। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, संपूर्ण पेड़ जो है वो कांपने लगता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, सारा का सारा जो पेड़ है उसमें रोमांच बन जाता है, एक रोमांच उठ जाता है, कि इसमें जैसे वो जो गोल्ड फिंच नाम का पक्षी है वो ऐसे छिपकली की तरह तेज़ी से उसकी गहराई में चला जाता है और चहचहाट से और पंखों की फड़फड़ाहट से एक शोर सा शुरू हो जाता है, जैसे मशीन स्टार्ट हो जाती है, और जो पूरा पेड़ है वो ट्रेम्बल्स यानी कि बिल्कुल कांपने लग जाता है, थ्रिल यानी कि रोमांच हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, कि यह उसके परिवार का एक इंजन है। शी स्ट्रोक इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, वो इसे पूरी तरह से उकसा देती है और वो एक शाखा के किनारे अपने पंखों को फड़फड़ा कर बाहर आ जाती है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका जो धारीदार चेहरा है जो उसकी पहचान है दिखाई पड़ता है। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप्स विस्परिंग्स शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड द इन्फिनेट एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्पटी, मतलब कि फिर वह जो एक इसकी अलौकिक यानी कि अलौकिक क्या होती है, एक बहुत ही सुंदर जो एक सीटी वाली चहचहाट है, जो उसकी आवाज़ है वो फुसफुसाहट के साथ दूर तक आकाश की ओर उड़ान भर लेती है और लबर्नम का जो पेड़ है वो फिर से शांत हो जाता है। यानी कि इस जो ये पोएम है इसमें जो हमें कवि बताता है कि जो लबर्नम का पेड़ है इस पर जो एक गोल्ड फिंच नाम का पक्षी आता है वो अपनी एक हलचल इसके अंदर पैदा कर देता है, इसकी गहराई में जब वो घुस जाता है तो एक अजीब सा शोर मचाना शुरू कर देता है, इसको खूब हिलाता है, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो नाचने लग जाता है,
लेकिन जब वो वापस से उड़ जाता है, एक ऊंची उड़ान भरकर वो चला जाता है, तो ये जो हमारा पेड़ है ये फिर से अपने उसी साइलेंट मोड में, एक बिल्कुल स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो ये हमारी पोएम थी बच्चों, इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। सबसे पहले है हमारा लेबरनम। लेबरनम क्या होता है? अमलतास, ये एक पेड़ का नाम है। गोल्डफिंच, एक जो गाने वाली चिड़िया होती है उसका नाम है। ट्विच, दैट इज़ फड़कना, दैट इज़ झटकना, ट्विच कर देना, झड़काना। चर्प यानी कि चहचहाट। स्लीक, चीकना, जो एक चीकना कोई भी होता है ना पदार्थ, कोई भी चीकना जिसे हम बोलते हैं स्लीक। स्टार्टलमेंट, दैट इज़ चौंकना, किसी चीज़ को देखकर एकदम से हम जब चौंक जाते हैं, दैट इज़ स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट यानी कि एकदम से देखकर चौंक जाना। अलर्ट यानी कि चौकस, चौकस यानी कि सावधान। ट्रीमर, कंपन, एक कंपन शुरू हो जाती है, जैसे ट्रीमर जब आप बेंच पर हाथ मारते हो तो एक आपको ट्रीमर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कंपना, जैसे थाली पर मारते हो तो उसमें कपकपाहट चालू हो जाती है, दैट इज़ ट्रीमर। एब्रप्ट, आकस्मिक, जो अचानक से कोई चीज़ हो जाती है या कोई घटना हो जाती है, दैट इज़ एब्रप्ट, सडन जिसे बोलते हैं, अचानक से जो हो जाती है। फिर है चैटरिंग। चैटरिंग क्या होती है? चहचहाहट, जिसे हम चर्पिंग भी बोलते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, दैट इज़ स्वर कंपन। स्ट्रोक, भड़काना। फ्लर्ट, फड़फड़ाना। बेर्ड, धारीदार। फ्लर्ट क्या होता है? फड़फड़ाना। और बेर्ड क्या होता है? धारीदार। धारीदार जैसे कि चाकू होता है ना, जैसे दैट इज़ बेर्ड, बेर्ड नाइफ, धारीदार चाकू, ठीक है। आइडेंटिफाई, दैट इज़ पहचान, पहचान करना। ईरी, दैट इज़ भयानक। ईरी जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ को देख के ईर यू, तो वो होती है भयानक। डेलिकेट, कोमल। लॉन्च यानी कि उड़ान भरना। इनफाइनाइट, दैट इज़ अनंत। एंड सबसाइड्स यानी कि शांत हो जाना। तो ये थे हमारे इसके वर्ड मीनिंग्स। अब हमारे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, कि अपनी भाषा में आप लेबरनम को क्या कहेंगे। कि इन आवर लैंग्वेज, हिंदी वी कॉल इट अमलतास, इसे हम बोलेंगे अमलतास। विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द गोल्ड फिंच, कौन सी चिड़िया है जो गोल्ड फिंच जैसी होती है। बर्ड लाइक अ स्पैरो, सो इट इज़ कॉल्ड सोन पंछी या सोन चिड़ी, एक जो छोटी सी घरेलू चिड़िया होती है जिसे हम सोन चिड़ी बोलते हैं। इसके बाद है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, आपने जो बिगनिंग है और एंडिंग में क्या इसमें सीन जो है उसको शो मतलब महसूस किया है। इसमें हमने सिर्फ दो सीन देखे हैं, एक वो जिसमें शुरू से लेके अंत तक पेड़ में जो एक शांति है, स्थिरता है, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, ये हमने इसके अंदर शो किया है, महसूस किया है। टू वर्ट इज़ द बर्ड मूवमेंट कंपेयर्ड, कि जो बर्ड की मूवमेंट है वो किससे कंपेयर की गई है, लिजार्ड से की गई है। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, कि इसका एक जो स्लीक और एब्रप्ट नेचर है उसकी वजह से इसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। फिर है, व्हाई इज़ द इमेज ऑफ इंजन इवोक बाय द पोएट, कि एक जो पोएट है उसने क्या इंजन की क्या इमेज शो की है। साउंड ऑफ मशीन कम्स फ्रॉम द ट्री, इट इज़ कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली एंड एज इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू हर फैमिली, कि वो जो चिड़िया है वृक्ष में घुसकर अपनी चहचहाने की मशीन चालू कर देती है और वृक्ष उस आवाज़ को से कंपन युक्त हो जाता है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, सबसे ज़्यादा आपने इसमें पोएम में क्या महसूस किया है। इस जो इसमें है, इमेज क्रिएटेड बाय मूवमेंट बाय चर्पिंग, फ्लर्टिंग फ्लटरिंग एंड हैज़ फैसिनेटेड मी मोस्ट, यानी कि जो इसमें चहचहाने की आवाज़ है, जो ऊपर नीचे फुदकने की आवाज़ है, फुसफुसाहट है, मुलायम सीटी सी विचित्र आवाज़ें हैं, मुझे वो सब अच्छी लगती हैं। व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, कि खाली चेहरा और पहचाने हुए नकाब से आप क्या समझते हैं। दिस मीन्स दैट द फेस ऑफ द बर्ड इज मार्क विथ स्ट्राइप्स, कि इसमें चिड़ियों के चेहरे पर धारीदार आवरण है। इट्स लुक लाइक अ मास्क, जो एक मुखौटे जैसे दिखाई देती है। हर फेस सर्व हैज हर आइडेंटिटी, दिस बर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट, कि
उसकी पहचान को दर्शाता है और इस तरह चिड़िया अपना परिचय देती है। इसमें जो साउंडिंग वर्ड्स हैं बेटा वो कौन से हैं, विस्परिंग, चैटरिंग, थ्रिलिंग, ट्रिलिंग, चर्प, विसल। और मूवमेंट वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, ट्विचिंग, ट्रिमर, स्ट्रोक, फ्लर्ट, लॉन्चेस। डोमिनेंट कलर इन द पोएम कौन सा है, येलो। ठीक है, तो ये आपकी पोएम है विद एक्सरसाइज, यू हैव टू कम्प्लीटली रीड इट एंड प्रिपेयर इट। ओके, टिल देन, बाय बाय।